हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आज जो डेजर्ट मैंने बनाया है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस चीज़ से बना है, और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लौकी, लेकिन ये सिर्फ लौकी से नहीं बनने वाला है, इसलिए आपको मेरी पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो बिल्कुल ही नई रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है, और आप इसको बना करके अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें लौकी को घिस लेना है, क्योंकि इसके लिए हमें बिल्कुल ही मोटे टुकड़े में नहीं चाहिए, महीन टुकड़े में, जैसे कि कद्दूकस करते हैं। तो आप महीन वाले कद्दूकस से इसे कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर चॉपर हो तो आप उसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और चॉप करने के बाद हमें इसका सारा पानी दबा करके हाथ से निकाल लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसको। और सबसे पहले उसके बाद हम लेंगे घी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने जानने वालों में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विज़िट कर रहे हैं तो ऐसी रेसिपी को आगे फ्यूचर में देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, मेरा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है। तो घी गर्म हो गया था, इसमें हमने लौकी को डाल दिया है, इसका सारा पानी निकाल दिया था हाथ से दबा के, और उस पानी को आप जूस की तरह पी सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है लौकी का जूस। और उसके बाद से इसको 2 से 3 मिनट तक हमें भून लेना है। भुनने के बाद इसमें हम मलाई वाला दूध डाल देंगे। तो लौकी हमारी लगभग 200 ग्राम थी, तो इसमें हम 1 ग्लास दूध डाल रहे हैं, नॉर्मल साइज़ का ग्लास है, और उसका दूध डाल के हमें ढक देना है, और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के धीमी आंच पे पकाना है, तो हमारी लौकी पक जाएगी। वैसे तो ये इतनी पतली ग्रेट हुई है कि इसको भूनते समय ही पक गई थी। और फिर इसमें हम मिलाएंगे 3 से 4 चम्मच रात भर का भीगा हुआ साबूदाना। तो साबूदाना का जो टेस्ट है इसमें, और इसकी वजह से जो हमारे दूध का टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो साबूदाना आप ज़रूर डालिएगा। साबूदाना को डालने के बाद इसको हमें थोड़ी देर तक पका लेना है, क्योंकि भीगा हुआ तो है साबूदाना लेकिन बॉयल नहीं है। और इसके बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसको पहले ढक देते हैं ताकि हमारा साबूदाना भी पक जाए, और फिर इसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारी इस रेसिपी का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, टेस्टी रेसिपी बनेगी। फ्रेंड्स की अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तो ये रेसिपी बन रही है डेजर्ट की, मीठी रेसिपी बन रही है, तो चीनी डालना तो बनता ही है। तो सबसे पहले इसमें मिठास के लिए हम ऐड कर देते हैं चीनी, और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको कम या ज़्यादा मीठा पसंद हो, पर नॉर्मल रखिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद जो रेसिपी होती है वो अच्छी मीठी रहती है, तभी ठीक लगती है। तो हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया है, चीनी आपस में इस रेसिपी में जब मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करने वाले हैं। तो उसके बाद हमने ले लिया है ये कटोरी में 1 चम्मच वैनिला फ्लेवर का है ये कस्टर्ड पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसको डालने के बाद हम अपने मिक्सचर में लगातार चलाएंगे, क्योंकि हमारा दूध है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा हाई है, और जो हम इसमें मिक्सचर डाल रहे हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो लगातार चलाते हुए हमें इसको मिक्स कर लेना है, और इसके डालते ही देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल ही रबड़ी की तरह बन करके तैयार हो चुकी है इस टाइम पे। और आप इसको कह सकते हैं लौकी की रबड़ी भी है या साबूदाने की रबड़ी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो इकट्ठे जब कुक हो जाती हैं तो बिल्कुल थिक टेक्सचर में आ जाती हैं। और ये अब एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है, कस्टर्ड पाउडर भी हमारा अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें कच्चेपन का फ्लेवर अब नहीं रह गया। और इसके बाद लास्ट में हम मेन इंग्रेडिएंट इसका ऐड करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो ये रहा मेरा मिल्क मेड कंडेंस मिल्क, इसको डालने के बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएगी। और इसको आप लगभग 4 से 5 चम्मच डालिएगा, ये 200 ग्राम की लौकी में, 1 ग्लास मिल्क में, 4 चम्मच के आसपास साबूदाने पड़े हैं, मिठाई अपने हिसाब से,
और एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये सारा रेशियो बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है। तो बस अब कंडेंस मिल्क डालने के बाद हमारी रेसिपी का टेक्सचर देखिए एकदम ही ठीक हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। ये बिल्कुल ही चिल्ड हो जाएगी, तभी इसको खाने का मज़ा आएगा। तो ये हमने रख दिया था ओवरनाइट, मैंने रख दिया क्योंकि मैं नेक्स्ट डे उसको फिर निकाल रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो चुकी है। इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी सर्विंग करते हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं मतलब डायरेक्टली, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और तड़का लगाने वाले हैं ताकि हमारी रेसिपी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी इस रबड़ी को डाल दीजिएगा अपने बाउल में, और इसमें आप चाहें तो टूटी फ्रूटी भी डाल के खा सकते हैं। तो मैं पहले इसमें डाल रही हूँ एक अपना फेवरेट, जो भी आपके पास आइसक्रीम हो आप उसको ज़रूर डालिएगा, ताकि ये क्रीमी टेक्सचर के साथ साथ थोड़ा सा चिल्ड, एकदम खाने में कूल कूल। और जो भी फ्रूट सीजनल आ रहे हो, तो मेरे पास इस समय मैंगो पड़ा था, तो मैं वो इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाल रही हूँ। तो मैंगो डाल सकते हैं आप, अनार डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स, एप्पल डाल सकते हैं, मिक्स फ्रूट भी डाल सकते हैं या फिर सिंगल भी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्पेशल डेजर्ट की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।